हेलो दोस्तों, मेरे पास एक एग्जूम चार्जर आया है। मैं इसको खोल लिया है। थोड़ा पुराना मॉडल है। ये पानी में भीज कर गीले ही होकर आया है। ये रात में जब बारिश हुआ था तब इसमें पानी घुस गया था। ये थोड़ा पुराना मॉडल है। यहाँ पर देखिए, इसका इधर से एक वायर निकला हुआ है। ये आउटपुट वायर है 48 वोल्ट, और इधर ये ऑन ऑफ स्विच है। ये ऑन ऑफ स्विच, ये थोड़ा बहुत पुराना मॉडल है। और ये एसी कॉर्ड, यहाँ से एसी इन होता है और यहाँ से 48 वोल्ट निकलता है। इस में एक समस्या होता है, जब ये फ्यूज पुराना हो जाता है तो क्या होता है, इसमें रेड लाइट है। ये आप 48 वोल्ट लाइन देकर जब एसी करंट देंगे। और एक ज़रूरी बात, इस चार्जर रिपेयर करने के लिए आपको एक सीरीज लाइन चाहिए। 200 वाट बल्ब से एक सीरीज लाइन बना लेना चाहिए, और 4 बैटरी 12 वोल्ट 4 बैटरी सीरीज करके एक 48 वोल्ट लाइन करना है। मेरे पास ये 4 बैटरी है, इसको मैं सीरीज करके 48 वोल्ट बना रखा हूँ। और एक मीटर होना चाहिए, 10 एम्पियर से 12 एम्पियर तक के रीडिंग दिखाता है। आपको ये देखने के लिए एक मीटर चाहिए, ऐसे लगा हुआ मेरे पास है। मैं ये मीटर लगा रखा हूँ। तो मेरा जो बोलना था, ये रेड लाइट 48 वोल्ट देकर जब एसी देंगे, रेड लाइट पहले जलेगा, पंखा भी चलेगा, उसके बाद रेड लाइट ऑफ हो जाएगा, पंखा भी ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर से चलेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। इसी तरह चलता रहता है। इसके लिए जो प्रॉब्लम जहाँ से आता है वो आपको मैं शेयर करता हूँ। ये फ्यूज़ से जुड़ा हुआ होता है। फ्यूज़ यहाँ से एक तार आप यहाँ कनेक्ट कर देना, फ्यूज़ जैसा करके ऐसे फ्यूज़ देना जो उल्टा बंदा, ये पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा लगाने से फ्यूज़ उड़ जाना चाहिए। नहीं तो डायोड MUR 3060 मेन डायोड है, ये MUR 3000 ये वोल्टेज आउटपुट कर लिए हैं। ये लगाना का मतलब है, आप जब ये बैटरी 48 वोल्ट में देंगे तब स्पार्क ना हो। टच करने से स्पार्क होता है। ये डायोड जब मैं यहाँ पर नहीं, आप शॉर्ट कट देंगे तब स्पार्क हो जाएंगे। लगाने से फ्रश करके एक स्पार्क का आवाज़ होंगे। इसके लिए ये डायोड देना दे रखा है। मेन डायोड है ये MUR 3060। ये देखिए दोस्तों, ये कंडेंसर के उधर, ये फिल्टर कंडेंसर है, 100 वोल्ट 220। मेन और एक प्रॉब्लम जहाँ से आता है, ये रेजिस्टेंस, फ्यूज रेजिस्टेंस 0.025। इसको आप ध्यान में रखना है। ये अंदर से ख़राब हो जाता है, थोड़ा कनेक्ट रहता है इससे, इसीलिए ये जो प्रॉब्लम मैंने बोला है वो हो सकता है। कभी भी ये फ्यूज़ को आप शॉर्ट मत करना, रेजिस्टेंस को आप शॉर्ट मत करना। 0.025 ये आपको 6 वाट ये मार्केट में मिलता है, ये आप वो खरीद के लगाना है, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और ये जो डायोड है, ये डायोड के अंदर MUR 3060, इसके अंदर 2 डायोड रहता है। एसी इधर से एक एसी इन होता है। आपको दिखाने के लिए मैं एक ट्वीजर का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, इधर से एक डायोड एसी को डीसी करके इधर छोड़ता है, और इधर से एसी को डीसी करके पॉजिटिव वोल्ट इधर में छोड़ता है। 2 डायोड यहाँ से यहाँ तक 2 डायोड लगा हुआ रहता है। यहाँ से पॉजिटिव जाकर एक शोक कॉयल से यहाँ आता है। शोक कॉयल, यहाँ पर एक शोक कॉयल लगा हुआ है, रहता है ये गोल करके, ये गोल है, शोक कॉयल होता है, इसको शोक कॉयल बोलता है। ये शोक कॉयल यहाँ से यहाँ आकर, यहाँ से पॉजिटिव ये डायोड के थ्रू, यहाँ से फ्यूज़ यहाँ जाकर फ्यूज़ में होते हुए गुजर जाता है। तो रेड लाइट जलने का मतलब ये है।
और ये सर्जर में पानी घुसने से ये क्या हुआ, इसका मॉस्फेट शॉर्ट हुआ है। आपको और एक ज़रूरी बात बताता हूँ, इसमें देखिए ये फ्यूज जला हुआ है। अब थोड़ा देखिए फ्यूज जला हुआ है, ये फ्यूज जल गया, इसका मतलब है मॉस्फेट उड़ गया। मुझे इस चार्जर में मॉस्फेट लगाना है। मॉस्फेट लगाने के लिए आपको एक और जानकारी देता हूँ, यहाँ पर ये डायोड जैसा देखने वाला ब्लैक कलर का, ये आपको फेंक देना है। यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर एक रहता है, ये फेंक देना है। अरे 4.7 ओम्स रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ये दोनों ख़राब हो जाता है। ये लगाना है 4.7 ओम्स और 4148 जेनर डायोड यहाँ पर एक लगा रहता है, 4.4148 यहाँ पर एक लगा रहता है। ये दोनों डायोड चेक करना है, ख़राब के क्या अच्छा है ये देखना है। ये ज़्यादातर शॉर्ट हो जाता है। ये ऐसे रख के आप मॉस्फेट लगा देंगे, वो डायोड शॉर्ट होता है तो क्या होगा, ये चालू नहीं होगा। इसीलिए ये जेनर डायोड आपको देखना है। और यह उससे 10 के रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, यहाँ पर एक ये, और ये जो ब्लैक कलर का ये डायोड जैसा देखने वाला, ये आपको फेंक देना है। ये अब नया मॉस्फेट लगाइए तो भी फेंक देना है। मैं यही करूँगा और मैं मॉस्फेट नया लगाऊंगा और 4.7 ओम्स रेजिस्टेंस देखूंगा, अच्छा है तो रख दूंगा, और 4148 जेनर डायोड दोनों को देखूंगा, देख के मॉस्फेट लगा के मैं इसको ठीक करूंगा। मेरे पास हर रोज़ चार्जर आते रहते हैं, मैंने इसको सारता रहता हूँ, रिपेयर करते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा इसमें मॉस्फेट लगाना है और इसमें मॉस्फेट लगा के इसको कस्टमर को देना है। मुझसे मेरा काम था आपको कुछ टिप्स देना, वो दे दिया, और कैसे मॉस्फेट लगाएंगे वो बोल दिया। यहाँ पर 3/4 NM 60 मॉस्फेट लगा रहता है, 3/4 NM 3/3 NM भी लगा रहता है, 3/3 NM 60 भी मॉस्फेट लगा हुआ रहता है। आप जब भी मॉस्फेट लगाएंगे ओरिजिनल मॉस्फेट लगाइए, डुप्लीकेट मार्केट में मिलता है वो मत लगाइए। ठीक है, आज इतना ही। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबा देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज यही तक, मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो डालूँगा, आप ज़रूर देखिए, नया नया टिप्स दूँगा। ठीक है, ओके, बाय।